आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ईपीडीएस जो वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की है, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे राशन कार्ड का 1,000 रुपये के लिए, यानी कि बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपये दिया जाएगा लॉकडाउन में सहायता। ठीक है, तो लेकिन इसके बारे में आपको वीडियो में दिया था बनाकर, लेकिन ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं COVID-19 सहायता राशि हेतु, इस पे जैसे क्लिक करते कुछ ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों भी कमेंट भी बहुत किए थे, कमेंट भी था, प्लस आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये साइट नहीं खुल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या, चलिए हमें आपको एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं। ये खाते का कार्ड से हो रहा है मिलान, खाते का कार्ड से हो रहा है मिलान। ठीक है, ये हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर है, यहाँ पे दिया गया है बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि से वंचित प्रखंड राशन कार्ड धारियों के खाते में सुधार करने को लेकर आपूर्ति कार्यालय दिन रात काम कर रहा है। सोमवार को आपूर्ति कार्यालय के बरामदे पर आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद इमदादुल हक कार्यालय कर्मी एवं डीलरों के साथ मिलकर राशन कार्ड के साथ खाता का मिलान किया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्रखंड में कुछ 54,000 लाभुक है, जिसमें 13,000 लाभुक का राशन कार्ड से खाता मिसमैच है। मतलब कि यहाँ बताया एक प्रखंड में 13,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारियों का जो राशन कार्ड से खाता मिसमैच, मतलब मैच नहीं किया है। कई राशन कार्ड के साथ बैंक खाता नहीं मिल रहा है, तो कई राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है। इन तमाम कर्मियों को दूर करने के लिए संबंधित डीलर से लाभुकों को कागजात मांगकर डाटा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही सभी वंचित लाभार्थियों को बैंक खाते का मिलान राशन कार्ड से हो जाएगा। इसे मतलब बताया था राशन कार्ड का मिलान हो रहा है, मिलान नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था और वो ऑनलाइन भी बंद कर दिया गया था ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, तो ये मिलान कर रहे हैं, मिलान करने के बाद आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, और इसके लिए आपको कहीं आवेदन नहीं करना होगा, ना ही कहीं आपको किसी को पेमेंट देना होगा। ये जितने भी राशन कार्ड धारी है सभी को उनके अकाउंट से मिलान करके उनके अकाउंट में बिना ऑनलाइन अप्लाई किए 1,000 रुपये भेज दिया जाएगा। जिनका राशन कार्ड में मिलान ऑलरेडी हो चुका है उनको भेज दिया गया है, और जिनके राशन कार्ड या अकाउंट से मैच नहीं खाया है उसको नहीं मिला अभी तक, लेकिन उसका रिपोर्ट आपके डीलर को दे दिया गया है। किनके राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं है, किसके बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है, उसका रिपोर्ट डीलर को दे दिया गया है, और डीलर के पॉस मशीन में दिया गया कि आप खुद से उनके आधार कार्ड में, उनके राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करें। अगर उनके बैंक अकाउंट में भी लिंक नहीं, तो बैंक अकाउंट में भी लिंक करने का मतलब कि अनुमति दिया गया है डीलर को, यानी कि बैंक में भी आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो डीलर आपको बैंक में भी आधार कार्ड जोड़ देंगे और राशन कार्ड में भी आधार जोड़ देंगे। ये उनको सुविधा दिया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, बैंक भी न जाना पड़े। राशन कार्ड में अगर आधार कार्ड नहीं जुड़ा है तो डीलर जोड़ देगा, अगर आपके आधार कार्ड में भी राशन कार्ड आधार कार्ड में भी सॉरी आपके बैंक अकाउंट में भी आधार कार्ड नहीं जुड़ा है तो वो डीलर जोड़ देगा। तो ये डीलर को दिया गया कि अगर नहीं जुड़ा हो तो आप अपने डीलर से संपर्क करके वहाँ जुड़वा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। जब लिंक हो जाएगा तो उसके बाद आपको कहीं ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट आपको 1,000 रुपये लिंकड अकाउंट में, जो अकाउंट लिंक होगा उसमें भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कहीं भी आपको आवेदन नहीं करना होगा। जैसे आपका डाटा मैच करता है नाम वगैरह बैंक अकाउंट से, तो आपको 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। अगर लिंक नहीं है तो किसके राशन कार्ड में अकाउंट लिंक नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है, उसका जो रिपोर्ट है वो आपके डीलर को दे दिया गया, उनके पास लिस्ट दिया गया है कि आपके गाँव में इनका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं, उनका लिस्ट दिया गया। तो आप अपने डीलर से मिल लीजिए या डीलर भी आपसे मिल लेंगे, तो वहाँ से आप अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड जुड़वा सकते हैं और बैंक अकाउंट में भी आधार कार्ड जुड़वा सकते हैं। जैसे वो दोनों लिंक हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपको बिना कहीं से ऑनलाइन आवेदन या अपडेट किए हुए आपके अकाउंट में 1,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कहीं भी ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं पेपर के कटिंग के अलावा मैं इनके जो अधिकारी हैं उनसे मैं संपर्क किया, उनसे मैं बातचीत किया, तो उन्हें उन्होंने ये बताया। और साथ साथ मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि अगर आप के घर में कोई गर्भवती महिला या धात्री महिला या 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, तो उनको भी 1,000 रुपये सहायता मिल जाएगा, जो कि बिना राशन कार्ड का मिलने वाला है। ठीक
ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मजदूर रजिस्ट्रेशन करोगे तो जाओगे जेल। यहाँ पे देखिए मजदूर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, तो इस वीडियो में पूरी तरह विस्तार से बताया गया क्यों जेल जाएगा अगर आप मजदूर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप लालच में आके कर दीजिएगा, तो ये वीडियो देख लीजिएगा और आप बाल बाल बच सकते हैं। इसी तरह के मैं आपके बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। और यहाँ मैंने आपको बताया था अपने डीलर का राशन कार्ड नंबर कैसे निकाले और उनका चालान कैसे डाउनलोड करें, कब कितना खरीदारी किया, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं और जान सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।